हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे क्लास 11th। इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपने अदर जो 5 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो निकाल ली, क्योंकि टोटल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होती है 6, ठीक है। उसने कॉस दिया हुआ है, अदर निकालनी है। अदर कौन कौन सी है, साइन, टैन, कोसेक, ठीक है, कोसेक, सेक और काट, जो 5 बचेगी वो निकालनी है आपने। अभी करनी कैसे डिस्कस, देखो आप सभी बच्चे, सबसे पहले वी नो दैट आप 11th में भी कर चुके हैं आइडेंटिटीज। आप सभी बच्चों को पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 - cos² x। अभी जो साइन एक्स है, ध्यान से देखना, जो साइन एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, +1 - cos² x। ओके, अभी क्या आएगा, +1 - कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर। जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 - -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, +-3/4, ओके, +-√3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 बनेगा। अभी देखो, सिंस जो साइन एक्स है, ठीक है, सिंस जो साइन एक्स है, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आपने डिस्कस किया था कि ये क्वाड्रेंट है इस तरह से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने ये, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आपने जा रखना है, क्या क्या नेगेटिव होगा और क्या क्या पॉजिटिव होगा, टैन और काट ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। अभी सिंस जो साइन एक्स है वो इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इट मीन जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपकी, -√3/2 के इक्वल आएगी। ओके, अभी देखो कॉस एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, साइन भी दिया हुआ है, अगर आपने क्या करना होगा, कोसेक एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप सही बच्चों को पता है कि 1/sin x होता है, तो क्या आएगा, -√3/2, -2/√3। अभी जो कॉस दिया हुआ है, अगर वो कहेगा सेक एक्स निकालो, तो सेक एक्स वैल्यू क्या होगी, 1/cos x, ठीक है, 1/-1/2 कितना आएगा, -2। अगर आप लोगों ने टैन एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, साइन एक्स अपान क्या करेंगे, कॉस एक्स करेंगे। अभी साइन एक्स वैल्यू क्या है, -√3/2 और कॉस एक्स की -1/2 कितनी आई, √3 आई। अगर कॉट एक्स करना होगा 1/tan x तो कितना आएगा, 1/√3, जहां इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था कि अगर कॉस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में दी है तो 5 जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचती हैं वो क्या क्या होगी, साइन, कोसेक, सेक, टैन और काट क्या क्या होगा, ठीक। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि साइन एक्स 3.5 है, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है, अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। अभी सेकंड जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें क्या क्या पॉजिटिव है, एक साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। अभी वी नो दैट कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 - sin² x के इक्वल होगा। अभी देखो जो कॉस एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी +√1 - sin² x, ठीक है, क्या आएगा, +-1-। अभी साइन एक्स क्या है, 3.5, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 3.5, 9.25, यह आएगा +-16.25। ओके बेटा, ठीक है, जो कॉस एक्स आएगा वो आएगा +-4.5,
अभी देखो सिंस अभी जो कास एक्स है सेकेंड क्वाड्रेंट में वो क्या है नेगेटिव है, वो क्या है नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी आप क्या करेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। आ गया कॉस एक्स और जे साइन एक्स भी दिया हुआ है। अभी देखो कॉस एक्स जे दिया हुआ है, अगर आप लोगों को सेक एक्स निकालना होगा तो वन अपॉन कॉस एक्स, अगर जे वैल्यू माइनस फोर अपॉन फाइव है आप क्या करेंगे माइनस फाइव अपॉन फोर करेंगे, ओके। जे साइन है अगर को सेक एक्स जे है तो क्या आएगा वन अपॉन साइन एक्स आएगा, तो फाइव बाई थ्री आएगा। अगर थ्री पॉइंट फाइव है तो क्या आएगा फाइव पॉइंट थ्री आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए टेन एक्स, टेन एक्स वैल्यू क्या है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव, कॉस एक्स की माइनस फोर पॉइंट फाइव। आपकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी थ्री पॉइंट फोर आएगी, क्योंकि फाइव फाइव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कॉट एक्स करना होगा तो आप कॉट भी कर सकते हैं वन पान टेन एक्स करके, तो कितना आएगा माइनस फोर पान थ्री। इस तरह से आप अदर फाइव ट्रिकोमेट्रिक रेशियो जो अवेल्युएट कर सकते हैं, ओके बेटा। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कि कॉट एक्स दिया हुआ है उसने थ्री अपान फोर, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, कॉट और टैन पॉजिटिव है, ठीक है। अभी बाकी साइन चाहिए आपको, कोसेक चाहिए, सेक चाहिए, कॉस चाहिए, ठीक है। आप टैन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे टैन एक्स वैल्यू क्या आएगी फोर पॉइंट थ्री आ जाएगी, क्लियर हो गया। दो वैल्यू आ गई, अभी फोर चाहिए आपको बाकी वाली। अभी आप लोग फोर कैसे निकालेंगे, देखो वी नो दैट, ठीक है। आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि जो सेक स्केयर एक्स होता है वो किसकी इक्वल होगा, ठीक है, वन प्लस टेन स्केयर एक्स के इक्वल होता है। तो सेक एक्स वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। वन प्लस टेन की वैल्यू क्या है थ्री अपान फोर, तो क्या आएगा नाइन अपान सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव अपान सिक्सटीन, फाइव बाई फोर। अभी जो सेक है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, सिंस सेक एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो सेक एक्स वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस फाइव अपान फोर, और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरह से अगर साइन दिया हुआ है, अगर आप लोगों को कॉस एक्स निकालना होगा तो वन अपॉन सेक एक्स कर सकते हो आप, कितना आएगा माइनस फोर अपॉन फाइव, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी क्या बचा साइन बचा, ठीक है। अभी आप साइन कैसे निकालते हैं, देखो वी नो दैट, अगेन आप जानते हो, ठीक है। जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो क्या है वन माइनस जे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी करवा चुका हूँ आपको, क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कितना आएगा प्लस माइनस वन माइनस, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है माइनस फोर पॉइंट फाइव, कितना आएगा सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नाइन पॉइंट ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस थ्री पॉइंट फाइव। अभी देखो सिंस जो साइन एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस थ्री पॉइंट फाइव, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोसेक निकालना होगा तो क्या करेंगे वन पॉइंट साइन एक्स करेंगे, तो कितना आएगा आपका माइनस फाइव पॉइंट थ्री। इस तरह से आप अदर फाइव ट्रिकोमेट्रिक रेशियो अवेल्युएट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, सेम आपने दोनों क्वेश्चन भी इस तरह से निकालने की अदर फाइव ट्रिकोमेट्रिक रेशियो कैसे करते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है
ये क्या है कि आपको इवेल्यूएट करना है साइन 765 डिग्री की वैल्यू आपको इवेल्यूएट करनी है। आप इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना बेटा, साइन ठीक है, आप क्या करेंगे इसको देखो, 720 प्लस 45 कितना बनेगा 65 बन जाएगा जी, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे देखो, साइन 720 है ये क्या आएगा 2 × 360, जहाँ क्या करेंगे आप 4 × 180 प्लस 45 ठीक है। आपने इससे पहले जो लेक्चर में किया था वो ये किया था कि साइन 4π प्लस थीटा, आपको मैंने करवाया था कि इवन पाई प्लस थीटा करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं ठीक है। इस तरह से 4π, पाई की वैल्यू क्या है 180, आप बोल सकते हैं 4π प्लस थीटा तो क्या आएगा आपका साइन थीटा आएगा, साइन थीटा कितना है 45 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2 के इक्वल होगी ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7th सेम, आपको क्या करना है कोसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू आपको इवेल्यूएट करनी है। इसको भी कर सकते हैं, कोसेक माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस कोसेक, ओके। अभी आपको क्या करना है इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। आप इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, आप सही बच्चों पता है कि जो 4 × 180 करेंगे 360 है, तो अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ कोसेक 8 × 180 ठीक है, इस तरह से करेंगे अगर, और माइनस 30 तो कितना आएगा 1410 के इक्वल ही वैल्यू आएगी इसकी। अभी 8π देखो, आपने ये वाला फार्मूला भी किया था कोसेक 8π माइनस 8π माइनस इवन पाई माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है वो नेगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या आएगी कोसेक 30 डिग्री आएगी, तो माइनस माइनस कैंसिल तो कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है ठीक है बेटा। इस तरह से आपने क्या करने चाहिए क्वेश्चन करने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 था, आपने कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टैन 19π/3 देखो आप क्या करेंगे 6π, क्योंकि 6 × 3 कितना आएगा 18 प्लस 1 करेंगे 19 आ जाएगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं पाई बाई 3, 6π प्लस पाई बाई 3 18π प्लस पाई 19π बाई 3, 6π करेंगे इवन पाई प्लस थीटा करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल पॉजिटिव तो टैन भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, पाई की वैल्यू क्या है 180, वही 180/3 कितना आएगा 60, जहाँ पाई बाई 3 बोलो चाहे इसको 60 बोल दो ठीक है, जो टैन 60 वैल्यू क्या है √3 के इक्वल है। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, ओके बेटा क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है कि जैसे साइन −11π/3 ओके, साइन माइनस एक्स वैल्यू क्या होगी −π/3 होगी ओके, आप क्या करेंगे साइन भाई 3 4 जो 12 4π − π/3 करेंगे, 4π माइनस इवन पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव ठीक है, साइन 4π माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल क्या बचेगा साइन पाई बाई 3, और जो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है पाई बाई 3 कितना है 60 ओके, 60 वैल्यू क्या है √3/2 के इक्वल है। इस तरह से आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, बिल्कुल ईजी है जे भी, कि कॉट क्या दिया उसने −15π/4 के इक्वल दी वैल्यू इसकी ओके, आपने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है भाई कॉट ठीक है, क्या आएगा कॉट माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स 15π/4 आएगा ओके, कैसे करेंगे माइनस कॉट 4 4 16 मैं से एक कम कर दो क्या आएगा 15 आ जाएगा, 4π − π/4 इक्वल कर सकते हैं। अभी क्या आएगा 4π − इवन π − फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या है नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल वैल्यू क्या आएगी कॉट π/4, और कॉट π/4 tan π/4 की वैल्यू क्या है 1,
और काट पाई बाई फोर की भी क्या होगी, वन, पाई बाई फोर होगा 45 के इक्वल होगा। ओके बेटा, ये थी सेकंड एक्सरसाइज 3.2।